अगर आप 2 कटोरी गेहूं का आटा, हाफ कटोरी चावल का आटा, 2 चम्मच तिल और 1 चम्मच सौंफ, हाफ कटोरी नारियल डाल देंगे, 1 कटोरी पिसी हुई चीनी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मोइन के लिए हाफ कटोरी घी डाल लेंगे। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से रब करते हुए। अब मुट्ठी बांध के देखेंगे, अगर मुट्ठी बनती है आटे की तो इसका मतलब मोइन हमारी एकदम परफेक्ट है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका डो बना लेंगे। ये डो हमारा तैयार है। थोड़ा सा आटा लेकर इसकी लोई बना लेंगे बड़ी सी। इसको रोटी आकार में हम बेल लेंगे। रोटी से थोड़ा सा मोटा ही रखना है और इस टाइप से हम स्केल से इसको काट लेंगे बराबर पीसीज में, और इसके साइड के जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम निकाल देंगे। ये इस टाइप के शक्करपारे हमें बनाने हैं। अब इनको एक थाली में हम निकाल लेंगे। ये गोल वाले शक्करपारे बनाने के लिए हमने ये लिया है बोतल का ढक्कन। इस टाइप से हम गोल गोल शक्करपारे निकाल लेंगे। इसी प्रकार से आप कोई भी शेप में निकाल सकते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए गोल गोल कितने सुंदर हमारे शक्करपारे बने हैं। इनको भी हम थाली में निकाल लेंगे। इसी प्रकार से बड़े साइज के बड़े गिलास से हम बना सकते हैं और इस प्रकार से इसमें डिजाइन भी डाल सकते हैं। इसमें आप अपना मनपसंद कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं। इस टाइप से ये देखिए कितना सुंदर शक्करपारा बना है हमारा। अब इनको भी हम थाली में निकाल लेंगे। अब इनको गरम गरम तेल में एक एक करके हम डाल देंगे। जितने कढ़ाई में आराम से आ जाए उतने ही हमें डालने हैं। अब इनको उलटते पलटते हुए ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट में शक्करपारे हमारे तैयार हैं। इनको हम निकाल लेंगे। इसी प्रकार से दूसरा बैच हम डाल देंगे। इस 4 से 5 मिनट में दूसरा बैच हमारा तैयार है। इनको भी हम निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हम सारे शक्करपारे बना लेंगे। ये एकदम खस्ता और करारे बनते हैं। खाने में इतने स्वादिष्ट और लाजवाब बनते हैं इसका कोई जवाब नहीं। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे अगर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एक बार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।